ये समाज आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से आज एमसीडी में जिता करके लेके आया है, यदि उसका परसेंटेज वोट निकाला जाए तो आम आदमी पार्टी को यदि वोट मिलता है तो इसी समाज का मिलता है, और यही समाज आपको आगे लेकर के आज 3 बार गवर्नमेंट बनाने का मौका दे चुकी है। इसमें ठेकेदार पैसा खा जाते हैं, रजिस्टर में तो 10-10 आदमी के साइन होते हैं और 100-100 आदमी की तनख्वाह आपसे लेते हैं। जो शुरुआत नहीं हुई थी, मंत्री साहब हम आपको आश्वासन देते हैं अपने फेडरेशन की तरफ से कि आपको जो सहयोग हमारी फेडरेशन से चाहिए वो हमारे नेतागण आपको पूरा सहयोग देंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। ये समाज आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से आज एमसीडी में जिता करके लेके आया है, यदि उसका परसेंटेज वोट निकाला जाए तो आम आदमी पार्टी को यदि वोट मिलता है तो इसी समाज का मिलता है, और यही समाज आपको आगे लेकर के आज 3 बार गवर्नमेंट बनाने का मौका दे चुकी है। उनके रुके हुए कार्य यदि होते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य शायद और किसी का नहीं हो सकता कि आपके नेतृत्व में उन लोगों को वो खुशी मिले, वो सुख मिले कि जो पार्ट टाइम स्वीपर्स का मुद्दा उठाया गया, जो हमारी सफाई कर्मचारी लोगों का मुद्दा उठाया गया, जिनको 12-12, 14-14 साल हो गए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ठेकेदार पैसा खा जाते हैं, रजिस्टर में तो 10-10 आदमी के साइन होते हैं और 100-100 आदमी की तनख्वाह आपसे लेते हैं, उस तरीके का रोना रोते हैं वो लोग। हम भी पकड़ में उनसे पूछते हैं हमारे घर के सामने जब कभी सफाई करने आते हैं कि साहब 4 महीने से पैसा नहीं मिला, ये हालत है। और हमारे ठेकेदार नाम के लिए रजिस्टर पर सबके साइन कराते हैं, पैसा तो आपसे इतने का लेते हैं लेकिन देते इतने का है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है इसको रोकने में आप कामयाब होंगे, ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने काम में हम लोगों से जो सहयोग ले सकते हैं हमें लें, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको पूरा सहयोग देंगे। या आम कस्टमर को सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं यहाँ भी उसी हिसाब से दी जाए, क्योंकि दिल्ली को बैंकों के एक सेंट्रल के रूप में केवल देखा जाता है और सेंट्रल के मुताबिक दिया भी नहीं जाता है, तो बैंकों की तो बहुत बड़ी समस्या है। यदि उनको भी आप अपने माध्यम से करवाने में हम लोगों को सहयोग देंगे तो मैं समझता हूँ कि बैंकों की बहुत बड़ी शुरुआत यहाँ से हो जाएगी कि दिल्ली से हम लोग ये शुरुआत करा पाने में आपके सहयोग से आगे बढ़ पाए। कमीशन की बात की, नेशनल कमीशन में खासतौर से शेड्यूल कास्ट कमीशन तो यह बनना ही चाहिए और आपके मंत्रालय के अंतर्गत आएगा तो हमें इससे बड़ी और खुशी नहीं हो सकती कि आपने वादा भी किया है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उसमें काम जो शुरू होगा हम लोगों को न्याय के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और छोटी मोटी समस्याएं आपके विभाग से ही आप तक भी शायद नहीं पहुंच पाएंगी और आपके जो हमारे अधिकारी लोग होंगे वही शायद उन चीज़ों को निपटा देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।